फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रवेश में, आज से प्राइमरी स्कूल खुलने जा रहे हैं और आज से प्रदेश में खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। दूसरी क्लास का बच्चा पढ़ेगा पहली क्लास, वहीं स्कूल आने के लिए माता पिता की अनुमति जरूरी होगी। खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में आज से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, दूसरी क्लास का बच्चा पढ़ेगा पहली क्लास, वहीं स्कूल आने के लिए माता पिता की अनुमति अनिवार्य है। तो आज से पहली से लेकर पांचवीं तक के स्कूल खुल गए हैं प्रदेश में, आज से प्राइमरी स्कूल खुल रहे हैं। तो बता दें आपको, दूसरी क्लास का बच्चा आज से, दूसरी क्लास का बच्चा पहली क्लास पढ़ेगा, तो वहीं स्कूल आने के लिए माता पिता की अनुमति अनिवार्य है। ऐसे में बता दें आपको कि प्रदेश में आज से बहुत वक्त बाद प्राइमरी स्कूल खुलने जा रहे हैं और ऐसे में दूसरी क्लास का बच्चा पढ़ेगा पहली क्लास, तो स्कूल आने के लिए माता पिता की अनुमति अनिवार्य होगी। तो खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में आज से प्राइमरी स्कूल वापस खुलने जा रहे हैं और ऐसे में माता पिता की अनुमति अनिवार्य होगी बच्चों के लिए, साथ ही कोरोना की गाइडलाइन का भी पूरा ध्यान स्कूल्स में रखा जाएगा। हमारे साथ संवाददाता अंजलि सिंह जुड़ चुकी हैं। अंजलि, आप जानना चाहेंगे यहाँ पर कि आज से प्राइमरी स्कूल खुल रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, प्रदेश में लगभग 17 महीने बाद जो है 1,08,000 से अधिक लोगों के जो निजी और प्राइवेट स्कूल हैं आज से खुलने जा रहे हैं, तो उसमें पहली से आठवीं तक के स्कूल खोले गए हैं। तो वहीं स्कूल में 50% की क्षमता के साथ ही बच्चे आएंगे। वहीं अगर हम 10वीं 12वीं की बात करें तो उनका भी 100% आना है। पर इसी को लेके जिस प्रकार से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो उसको लेके भी एहतियात बरतने होंगे, अभिभावकों की परमिशन भी जरूरी होगी। और दूसरी जगह जब अभी डेंगू का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है, तो उसे लेकर साफ सफाई पे भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो जो है कि आज से पहली और पांचवी पर एक खास बात यह है उसमें कि जो दूसरी क्लास का बच्चा है अब वो पहली क्लास में पढ़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले साल से कोरोना के कारण बच्चा पढ़ नहीं पाया, तो जिस वजह से कि उसका कंसेप्ट क्लियर हो और उसके बाद जिस वजह से उसको दूसरी की जगह पहली क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो जिससे क्या है धीरे धीरे बच्चे का जिस प्रकार से ग्रोथ होता है तो उसी प्रकार से ये सारी चीजें की गई है। तो वही अगर हम बात करें तो 10वीं और 12वीं की तो 100% की क्षमता के साथ लागू होंगे। तो वहीं कुछ नियम भी आए हैं, तो उसको लेके बस और वैन है उसमें मास्क के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा और बसों का सैनिटाइजेशन भी चेक किया जाएगा समय समय पर। स्कूल के मेन गेट पे सर्कल में जो बच्चे रहेंगे 1.5 मीटर की दूरी पे खड़े रहेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, तो ये चीज का विशेष ध्यान रखा गया है। और उसके बाद अगर हम टीचरों की बात करें तो जो टीचर है तो उनका भी वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है वो जरूरी रहेगा। और जो बच्चे हैं उनको दबाव नहीं डाला जाएगा कि आप स्कूल आइए, तो अगर पेरेंट्स परमिशन देंगे तो ही बच्चे स्कूल आ सकते हैं। जी अनंत जी, चलिए बहुत धन्यवाद अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, आज से प्रदेश में स्कूल खुलने जा रहे हैं और ऐसे में प्राइमरी स्कूल जो है काफी समय बाद खुलेंगे, इसके लिए जो है गाइडलाइंस तय कर दी गई है। स्कूल में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा, तो साथ ही यहाँ पर बच्चों के लिए माता पिता की अनुमति अनिवार्य होगी, साथ ही स्कूल प्रबंधन या फिर स्कूल के स्टाफ को भी वैक्सीनेशन के दोनों डोजेज अनिवार्य होंगे।